आज हम बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में क्या ग्लैंड निकालते हैं कि मसल्स निकालते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो काफ़ी पेशेंट की क्वेरी रहती है हमारे पास गायनेकोमेस्टिया की, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में मसल्स निकालते हैं कि ग्लैंड निकालते हैं। तो ये जो पेशेंट है हमारे पास, काफ़ी दिन पहले फ़ोन किया था इन्होंने, और फिर अभी आज इन्होंने फ़ोन किया कि हमने गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करा ली है और करीब हाफ के जी ग्लैंड निकली है। तो ये इन्होंने फोटोग्राफ हमको भेजा, तो इन्होंने बोला कि आप एक बार देख के बताइए कि क्या है, क्या निकला है, ग्लैंड है कि मसल्स है, क्या है। पहले तो ये आपको नॉर्मल एनाटॉमी जो होती है वो समझना पड़ेगा, जो होता है पेक्टोरियल, जो चेस्ट के ऊपर जो होता है वो पहले तो स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसके नीचे फिर मसल्स होते हैं, पेक्टोरिस मेजर मसल, फिर नीचे पेक्टोरिस माइनर मसल, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे। तो ऊपर का जो ब्राउनिश और रेडिश जो होता है वो मसल्स होती है, जो मसल्स का कलर होता है ब्राउनिश और रेडिश होता है, तो ये जो मसल्स होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, और जो ग्लैंड होता है वाइटिश होता है, उसके राउंड फाइट होता है। तो ग्लैंड क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, उसके नीचे फिर मसल्स होती है। तो ये जो पेशेंट है हमारे पास, काफ़ी दिन पहले इन्होंने क्वेरी किया था, आज इन्होंने फोटोग्राफ भेजा। तो इनको क्या बेसिकली हो रहा है, इनको बार बार बोल रहे हैं कि पानी भर जा रहा है, कलेक्शन हो जा रहा है, और जो है वहाँ पे गड्ढा हो गया है। बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मसल और ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मसल्स अगर निकालते हैं तो उसमें ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हिमाटोमा और सिरोमा बनने के चांस रहते हैं। तो आप पहले दोनों फोटोग्राफ को कंपेयर करिए, जिसमें ग्लैंड कैसी हो दिखती है और मसल्स कैसा दिखता है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इनकी ये मसल्स है कि ग्लैंड है। ये ग्लैंड नहीं है, क्योंकि ये स्लाइस एकदम लंबी चौड़ी, इतनी बड़ी ग्लैंड नहीं होती, क्योंकि ग्लैंड होती है सर्कुलर शेप में रहती है, मसल्स जो होती है लॉन्ग लेंथ में रहती है। तो मसल क्या ऐसे लंबी रहती है, पेक्टोरिस मेजर मसल, तो स्लाइस फॉर्म में नहीं आती है। तो और ग्लैंड का जो होता है वो वाइट कलर की होती है, उसके राउंड फाइट होता है। तो ये इनका भी ये जो है ये मसल्स है, और आप ब्लीडिंग भी देख सकते हैं कि कितनी हैवी ब्लीडिंग हुई है इनको। तो अगर मसल्स काटेंगे तो उसमें परफोरेटर होते हैं, तो ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप दोनों फोटोग्राफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है इनके जो चेस्ट से मसल्स निकाली गई है, क्योंकि जो सर्जन से इन्होंने सर्जरी कराई वो प्लास्टिक सर्जन नहीं थे, उनको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करने का इतना नॉलेज नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सी ग्लैंड है, मसल्स है, और हम लोग जो होते हैं प्लास्टिक सर्जन उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो रेगुलरली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब ये पेशेंट हैं, इन्होंने करा लिया, फ़ोन हमारे पास फ़ोन करते हैं, ये काफ़ी कम मार्जिन ऑफ एरर रहता है कि करेक्शन करने का, क्योंकि आपने जो मसल्स निकाल ली है तो आप उसमें या तो फिर वो जो गड्ढा बन गया उसमें फाइट ग्राफ्टिंग की जा सकती है, पर वो तो कॉस्मेटिक करेक्शन हो सकता है। पर अगर किसी का मसल्स निकाल लेंगे तो अगर आप सोचिए, अगर मसल्स निकालेंगे, ये जो पेक्टोरिस मेजर मसल होती है शोल्डर उठाने में नीचे करने में हेल्प करता है, तो मसल निकाल लेंगे तो आपका फंक्शनल भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मसल्स निकाल दी जाएगी तो क्या समस्या पैदा होगी, क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर मसल्स निकालेंगे तो उसमें परफोरेटर होता है, परफोरेटर उसे बोलते हैं जिससे ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उसको निकाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी। तो आपने फोटोग्राफ में देखा होगा ये जो दोनों सर्जरी है उसमें कितना हैवी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि परफोरेटर अगर काटोगे तो उसमें कॉटरी करना पड़ता है, तो उसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें हीमाटोमा बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बनता भी है, और अगर हीमाटोमा बन गया तो उसके बाद सिरोमा बनता है, क्योंकि बार बार पानी, ये वही प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमें बार बार पानी भर जा रहा है, तो इनको पहले हीमाटोमा बना, हीमाटोमा के बाद सिरोमा बना। और दूसरी समस्या ये आती है कि आपका फंक्शनल लॉस होता है, फंक्शन मतलब अगर मसल्स निकाल दी जाएगी, ये मसल्स ही होती हैं जो हाथों को ऊपर नीचे, शोल्डर को ऊपर नीचे करती हैं, तो अगर वो निकाल दी जाएंगी तो आपका फंक्शन ख़राब होगा। और तीसरा ये होगा कि उसमें वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, तो कंटूर डिफार्मिटी होती है, और चौथा जो है वहाँ पे एक लंबा सा निशान दे देते हैं, जिससे कि एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको बेसिकली यही देखना है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी, वो रेगुलरली कौन कर रहा है। यह पेशेंट जो थे, इन्होंने फोटोग्राफ भेजा कि उन्होंने बोला इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में, इसलिए उन्होंने वहाँ पे करा लिया। पर ये अभी हमारे पास फ़ोन किया है कि हमें उतना अगर जानकारी होती तो हम नहीं कराते।
तो ये हमारे पास ये फ़ोन किया इन्होंने कि हमें सिरोमा बार बार बन रहा है और पानी बार बार बन जा रहा है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक पे बनाया। तो आपको यही देखना है कि जो आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराने गए थे एक समस्या सॉल्व करने पर दूसरी समस्या आ गई, तो आपको यही देखना है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो कर कौन रहा है। तो आपको ये देखना है कि प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं कि ये नॉर्मल सर्जन, अगर प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं तो रेगुलरली कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि जो रेगुलरली करते हैं उस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपर्टाइज होता है तो उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और उनका इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में बेसिकली होना ये चाहिए कि लाइपोसक्शन होना चाहिए और ग्लैंड रिमूवल होना चाहिए, ना कि मसल्स। तो आपको यही देखना है कि सर्जरी कौन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक सुपरफिशियल स्किन के नीचे जस्ट की जाती है, ना कि एकदम डीप किया जाता है मसल्स के नीचे की जाती है। तो इसमें जो होता है लाइपोसक्शन करके जो फैट है उसको बराबर किया जाता है और ग्लैंड निकाली जाती है, ना कि मसल्स। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।